कौन थे ओपनहाइमर, जिन पर बनी हॉलीवुड मूवी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। तो आइए जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए एटम बम बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपनहाइमर पर बनी फिल्म ओपनहाइमर ने उन्हें इन दिनों खूब शोहरत दिला रखी है। फिल्म के इस किरदार में गीता पर की गई टिप्पणी की वजह से फिल्म और ओपनहाइमर दोनों भारत में खूब चर्चित है। ओपनहाइमर कौन थे और वे एटम बम के जनक क्यों कहलाते हैं, यह उस दौर के हालात के मुताबिक समझना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। एक छोटी सी कहानी में भूमिका बन जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और मित्र राष्ट्रों को संदेह हुआ कि हिटलर की अगुवाई में जर्मनी एटम बम बनाने पर काम कर रहा है। चूंकि युद्ध चल रहा था इसलिए उसे रोकने के लिए जरूरी था कि अमेरिका खुद भी परमाणु बम के निर्माण के लिए तैयार रहे। इसके लिए परमाणु बम निर्माण की परियोजना तैयार की गई जिसके मुखिया भौतिकविद जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को बनाया गया। यह परियोजना सफल रही जिसके बाद जापान पर क्या किया गया, परमाणु बम गिराया गया, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध औपचारिक तौर पर खत्म हो सका। इन्हीं ओपनहाइमर पर बनी फिल्म सुर्खियों में है। आइए जानते हैं ओपनहाइमर कौन थे। कुछ जरूरी सवाल। ओपनहाइमर फिल्म के बारे में कौतूहल जगाने के लिए इतना परिचय ही काफ़ी है कि यह फिल्म प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नीलन ने बनाई है। ऊपर का छोटा सा इस तरह का जिक्र इसको तड़का लगा देता है। लेकिन ओपनहाइमर कौन थे, उन्हें ही परमाणु बम बनाने के लिए क्यों चुना गया, इस परियोजना में क्या अल्बर्ट आइंस्टीन भी कोई भूमिका निभाए थे, वैज्ञानिक नज़रिए से ओपनहाइमर की और क्या उपलब्धियाँ रहीं, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना भी जरूरी है। जर्मन यहूदी परिवासी के पोते थे ओपनहाइमर। रॉबर्ट ओपनहाइमर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 22 अप्रैल 1904 में यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता जूलियस सिलिंगमैन ओपनहाइमर एक सफल कपड़ा आयातक थे और उनकी मां पेंटर थी। उनके दादा 1988 में जर्मन से अमेरिका बिना पैसे के आए थे और उन्हें अंग्रेजी बोलना भी नहीं आती थी, लेकिन एक टेक्सटाइल कंपनी नौकरी करने के एक दशक के अंदर ही वो बहुत अमीर हो गए। परिवार 1911 में मैनहट्टन में रहने आ गया था। रॉबर्ट के अलावा उनके भाई फ्रैंक भी भौतिकविद थे। 23 साल की उम्र में ओपनहाइमर ने पीएचडी की थी। ओपनहाइमर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रसायन शास्त्र पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जर्मनी की गोल्डिनर यूनिवर्सिटी में सैद्धांतिक भौतिकी की पढ़ाई की और केवल 23 साल की उम्र में ही डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली। इसके बाद वे भौतिक पढ़ाने के लिए अमेरिका लौटाए। उन्हें बकेल के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाने के साथ साथ ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे पर भी उन्होंने शोध किया। एक वैज्ञानिक के तौर पर ओपनहाइमर को सैद्धांतिक खगोल विज्ञान में अहम शोधकार के लिए जाना जाता है। उन्होंने खास तौर पर सापेक्षता के सिद्धांत और नाभिकीय सिद्धांत पर शोध किए। इसके साथ ही नाभिकीय भौतिकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम फील्ड सिद्धांत पर भी काम किया। इसके अलावा शुरू में वे रिलेटिविस्टिक क्वांटम यांत्रिक के फॉर्मल मैथमेटिक्स के प्रति भी उनका खासा आकर्षण था। उनके कार्यों का न्यूट्रॉन, न्यूजोन, न्यूट्रॉन तारे आदि की खोज में योगदान माना जाता है। अति गोपनीय मैनहट्टन प्रोजेक्ट, आइए इसके विषय में जानते हैं। 1941 में ओपनहाइमर को अति गोपनीय मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करने को कहा गया था। इसका मकसद एक परमाणु बम विकसित करना था। अगले ही साल जनरल लेस्ली ग्रूव्स जूनियर, जो इस प्रोजेक्ट के निर्देशक थे, ने ओपनहाइमर को परियोजना में शामिल किया और 1943 में न्यू मैक्सिको स्थित लॉस अल्मोस स्कूल को प्रयोगशाला के तौर पर चुने जाने के बाद उन्हें प्रयोगशाला का प्रमुख ओपनहाइमर को बना दिया गया। 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम जब बन गया तो उसका परीक्षण किया गया। भारत में चर्चित वह बयान जो आपको जानना चाहिए। इसी परीक्षण के आधार पर एक महीने के भीतर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले बमों को बनाया गया था। इन बमों को लिटिल बॉय और फैट बॉय नाम दिया गया था। जहां तक ओपनहाइमर फिल्म का सवाल है, इस फिल्म में उन्होंने भगवत गीता का जिक्र कर यह कहते हुए बताया गया कि अब वे दुनिया खत्म करने वाली मौत बन गए हैं। यह बयान उन्होंने 1960 के दशक के एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। यहाँ जानने वाली बात यह है कि ओपनहाइमर ने 1930 के दशक के शुरू में ही संस्कृत सीख ली। उन्हें गीता के अलावा
कालिदास रचित मेघदूत तक पढ़ी थी। वे गीता के प्रशंसक जरूर थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति कभी झुकाव नहीं दिखाया। 18 फरवरी 1967 को 62 साल की उम्र में उनका प्रिंसटन न्यू जर्सी में गले के कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया था। तो आशा करता हूँ ओपेनहाइमर पर मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें।